ये अट्रैक्शन, बॉयज एंड गर्ल्स हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करना वही करेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, वन मिनट, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग कोई करना है. जस्ट टू सजेशंस. एक तो डू नॉट बिहेव लाइक प्यूरिटन्स. समझ गया, प्यूरिटन्स का जैसा बिहेव ना करें. अपना एडोलेसेंस याद करें, हम क्या क्या करना चाहते थे कर नहीं पाए, वो बात अलग है. अब उन दिनों साधन नहीं था, इन दिनों साधन ज्यादा है, साधन ज्यादा है. तो बड़ा दिक्कत है बच्चों का, बच्चों के ऊपर बल्कि तरस का, तरस का. बट अट्रैक्शन का क्या करें, इसका क्या करें, कुछ नहीं कर सकते. बस मैं आई गिव यू अ पैनेशिया. पैनेशिया माने वन मेडिसिन फॉर ऑल इल्स. क्या नहीं, इंटरनेट में टाइम जाना, उल्टा सीधा पोर्नोग्राफी देखना, सब आया क्वेश्चंस. ये सब देखेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, दे विल लुक, दे विल हियर. हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है. हाँ, दो चीजों का फर्क समझो. एक है फीलिंग, एक है एक्सप्रेशन. लड़का लड़की, लड़का लड़का आपस में अट्रैक्ट होना, फीलिंग आना, दिस इज ए नॉर्मल थिंग. हम इसके लिए आसमान सर पे नहीं उठाए. पब्लिकली लड़का लड़की बैठ के बात कर रहा है आपस में तो टीचर ऐसा नहीं करेगी. वी विल अलाउ देम टू ग्रो अप टुगेदर इन पब्लिक. अगर पब्लिक से इनको भगाया, वो झाड़ियों के पीछे जाके मिलेगा. एंड एट द वेरी सेम टाइम, व्हाट इज डिसिप्लिन, उसका पॉलिसी बड़ा क्लियर होना चाहिए इसको. व्हाट वी टॉक अबाउट, PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज नॉट अलाउड. नाइन्थ का लड़के को, लड़की का लड़के को, लड़के का प्यार होना, मोहब्बत होना सब नॉर्मल है. बट हाउएवर, स्कूल हैज अ रिकॉर्ड, दरवाजा अंदर से बंद करके लड़का लड़की बैठे और टीचर पूछे तो बोले नहीं, हम दोनों हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे. दैट इज नॉट अलाउड. सो आर यू गेटिंग इट? तो बिहेवियर वर्सेज फीलिंग. बट एट द वेरी सेम टाइम, लेट अस नॉट लुक डाउन अबाउट देम. वो चारों तरफ से गहरा हुआ है बेचारा. थर्ड का बच्चा, फोर्थ का बच्चा गूगल में सेंसस लिख रहे थे, SC लिखते ही सेक्स आता है, उसमें क्लिक करने को मन करता है, क्या करें? अब क्लास में एक कीड़ा होता है, वो सारा पेड़ाता है, बोलेगा www.chidiya.com जरा जाके देख लेना. ऐसा कुछ नहीं, आप मत बोलो. So, इलाज क्या है? इलाज क्या है? दो इलाज. इलाज नंबर वन, एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई टू गिव चिल्ड्रन सम एम इन लाइफ. लक्ष्य, इट कैन बी टू बिकम ए म्यूजिशियन, इट कैन बी टू बिकम एन IITian, इट कैन बी टू बिकम ए पॉलिटिशियन, इट कैन बी टू बिकम एन IAS ऑफिसर, नो प्रॉब्लम. एम देने का कोशिश करो. तो मैं आपका काउंसलर्स को बताऊं, बच्चे का करियर काउंसलिंग तो क्लास 8th में तो कम से कम शुरू होना चाहिए, कम से कम शुरू होना चाहिए. और 12th में जाके कोई बाहर के इंस्टीट्यूट आके मेरे इंस्टीट्यूट में आओ आओ बोलना करियर काउंसलिंग नहीं है. वी हैव टू हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. है तो एम. सेकेंड इज, मैं काफी सवालों का एक जवाब दे रहा हूं. दूसरा, they have to be kept busy in their life, especially adolescents. ye bottle se nikle hue bhoot hai mano. ya to isko kaam do ya aapko kha jayenge. aapko matlab parent ko pehle khayenge, agar pet nahi bhara teacher ko khayenge. aap log kehenge to busy ka matlab aisa nahi ki math tuition ko finish, tuition ko english tuition, wo wala busy nahi. Busy in worthwhile activities. They can be made saints also, they can be made terrorists also. I have addressed, I don't know, my biodata mein aap note kiya nahi kiya, I have addressed tens of thousands of youngsters in Kashmir. Yes. Maine ek terrorist nahi dekha. They are all misled. I mean, not busy youngsters. Keep them busy.
विलेज अडॉप्ट करो, पानी हो या ना हो कुआ खुदवाओ, दे वांट टू बी वर्किंग, तो और कोई तरीका नहीं है।